माँ मुझे। By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. इजाज़त ली कि भैया आप मेरा कन्यादान करो कोई क्या, और वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं काम करता हूँ और मेरे काम से जो इफ़ेक्ट हुआ, और वो लड़की ने मुझे अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा इम्पोर्टेंस दिया, मुझे भैया माना अपनी ज़िंदगी में और मेंटर मुझे समझा और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उसका कन्यादान कर सकूँ। तो जब मैंने ये चीज़ें आके घर पर मेरी वाइफ से शेयर किया तो उसको भी बहुत खुशी हुई। मेरी एक बड़ी बहन थी और फिर मुझे और एक छोटी बहन भी मिल गई, तो हम दोनों बहुत खुश हो गए कि हमको ये मौका मिला है कन्यादान करने का। तो हमने उसका कन्यादान किया और इसी तरह फैमिली बढ़ते गई। सीमा आई, फिर उस फैमिली में अर्जुन आया, फिर उसके बाद उसका बेटा तक्ष आया और मुझे और एक भांजा मिल गया, मामा भांजे का रिश्ता भी बन गया। आज इन दोनों की शादी की 11वीं सालगिरह है। इन दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कोई भी जात या धर्म बड़ा नहीं होता, इंसानियत का रिश्ता सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो बस यही मेरा एक मैसेज है। सीमा के जो एनिवर्सरी को आज 2022 में पूरे 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, यानी 11th ईयर से स्टार्ट हो गया है। और हमारी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। वो हर साल आती थी और हमारे साथ में ईद मनाना हो या फिर उसकी दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, वो अपनी फेस्टिव करती थी, हम हमारे फेस्टिव करते थे। ऐसा कुछ भी कि हमने कभी एक पल के लिए सोचा या सीमा के घर वालों ने या उन्होंने सोचे कि हम मुस्लिम हैं तो हम नहीं आए या फिर हमारे घर पे उसको नहीं भेजे, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके ससुराल वाले भी अच्छे, उसका हस्बैंड भी, वो हमेशा हमारे घर आती थी। हर रक्षाबंधन होता था तो मैं आपको पिक भी शेयर करूँगी, वो राखी लेकर आती थी और अपने भाई को राखी बांधती थी, यानी मेरे हस्बैंड को। तो दोनों भाई बहन की बॉन्डिंग एकदम जो है स्ट्रांग हो गई। अभी हम इससे इतने क्लोज हो गए कि हम कुछ भी छोटी से बड़ी बातें जो है मैं उसको शेयर कर सकती हूँ, वो मुझे शेयर करती है। जैसा कि एक जो सिस्टर इन लॉ से ज़्यादा जो कहते हैं ना बहनों का रिश्ता होता है, वैसा हमारा बॉन्डिंग बन गई है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, वो भी हमारे लिए बहुत जो है प्यार देती है, बच्चों को खासकर मेरे दोनों की तहजीब कहा को, क्योंकि वो छोटे थे उसके सामने। और अभी 10 ईयर्स में काफ़ी दोनों में चेंजेस आ गया। फिर सीमा का जो है लड़का हो गया, 4 साल बाद शादी हुई और फिर वो प्रेग्नेंट थी। फिर प्रेगनेंसी में उनका जो कल्चर का होता है लाके जो गोद भराई हम लोग में कहते सतवासा, वो महाराष्ट्रीयन में दोहाड़े होता है, वो सब मैंने हम लोग ने लाके किए। फिर उसकी जो डिलीवरी है होने के बाद उसके ससुराल वालों ने डिलीवरी होने के बाद उसको 4 दिन के लिए हमारे घर पे भेजा था। जब उसका लड़का तक्ष हुआ तो हमने उसका जो कार्डलेस सेरेमनी यानी झूला वाला जो होता है सिस्टम, चिल्ला हम कहते हैं उसे 40 दिन बाद, वो भी हमने किए उन लोग के कल्चर के हिसाब से। तो हमें बहुत अच्छा लगा, वो हमारे कल्चर का करती थी, हम उसके कल्चर का करते थे। फिर वो कभी दिवाली में आती थी, फेस्टिव में फराड़ वगैरह बना के लेकर उसके हाथ के बेसन के लड्डू
और जो करण जी बहुत हमें पसंद है, वो बहुत टेस्टी बनाती है और जो है उसे बहुत अच्छा लगता है हमारे साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, फिर वैकेशन हो तो ज़रूर आती है। तो इसी तरीके से हमारी बॉन्डिंग जो है धीरे 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 आना जाना लगता रहा। कब हम उसके घर घर पर जाते थे अचानक में खाने में सरप्राइज देने, तो एक साल जो है हमने भी उसको बर्थडे पे सरप्राइज़ दिया, एक साल उसने उसके भैया को सरप्राइज़ दी, तो ऐसा हमारा आना जाना लगा रहता था। फिर कक्ष हुआ तो कक्ष जो है और भी हम लोग को जो घर में एक और नन्हा मेहमान आ गया तो उससे और प्यार बढ़ गया। तो ऐसा करते करते हम लोग की जो बॉन्डिंग थी बहुत अच्छी हो गई। तो बस मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी, देखिए इंसानियत सबसे पहले आगे रखना है हमें, हम चाहे मुस्लिम हो या कोई कास्ट के भी हो, कि हमें पहले इंसानियत रखना है। अगर सामने वाला हमें इज्जत देता है, प्यार देता है, तो हम उसे दो गुना इज्जत देंगे, दो गुना प्यार देंगे। तो वैसा ही सिस्टम है, हमने एक पल भी ऐसा नहीं सोचा, ना कि सीमा ने हमारे बारे में ऐसा सोचा, ना उसके हस्बैंड ने आज तक। वो जो भी हम करते थे हमारे इसमें वो शामिल होती थी, हमारे जो कल्चर का होता था उसके कल्चर का जो भी होता था हम उसमें शामिल होते थे। तो सबसे पहले आज जो है इंसानियत को हमें आगे रखना है, क्योंकि आज हम न्यूज़ में देखते हैं कितने चीज़ें बताते हैं, तो वो सब चीज़ों को दूर रखेंगे और हम ऐसा मिल बांट के रहेंगे तो फिर हमें किसी को भी जो है हमारे रिश्ते के बारे में प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस यही मैसेज दूंगी कि जो सीमा है वो भले हिंदू हो, लेकिन हमने उसे अपने दिल से अपनाया है, अपने फैमिली का मेम्बर बनाया है और उसने भी हमें दिल से अपना के अपने फैमिली मेम्बर ही माना है। हर चीज़ छोटे से बड़ी वो शेयर करती है, हम कहीं घूमने जाते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ आती थी, हम उसको लेके जाते थे। अभी कितने लास्ट ईयर जो लॉकडाउन था तब हमने उसको हमारे विलेज लेके गए थे, तो वो तभी भी आई थी, तो तभी के भी फोटोज मैं शेयर करूँगी। तो आई होप आपको जो हमारे रिश्ते के बारे में बॉन्डिंग बताना था और बहुत लोगों के जो दिलों में क्वेश्चन था कि आप मुस्लिम हो और वो हिंदू है तो आप लोगों का रिश्ता कैसे बना और आप कैसे उसकी भाभी हो और सीमा जो है आपकी ननद कैसे भी, बहुत लोगों के बारे में दिलों में क्वेश्चन आता था। तो आई थिंक आज का वीडियो देखकर आपके सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जो है अभी सीमा ईद में आने वाली है, अभी आपको उसका नेक्स्ट ब्लॉग जो है ज़रूरी, इंशाल्लाह 5 दिन ही बच गए हैं, तो देखिए फिर 5 दिन के बाद वो ईद में आपको मिलेगी और वो भी बताएगी क्या हमारा रिश्ता है और उसका वीडियो ब्लॉग आपको तब देखने मिलेगा, क्योंकि उसे सरप्राइज़ देना है, उसने मुझे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मैं बोली ना उसे सरप्राइज़ देना भी पसंद है। तो फिर अभी देखते वो हाने हाने कर दी है, आऊँगी मैं भाभी ऑफिस की छुट्टी डालूँगी, बट मुझे यकीन है वो आएगी ज़रूर। तो ऐसा हमारा रिश्ता है जो कि हमने आज तक उसको जो निभाते आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी निभाएंगे। और सीमा भी जो है हमें बहुत प्यार देती है, बड़े भाई को जैसा अपने भाई की तरह ही मानते हुए हर डिसीजन में और हर चीज़ में वो पहले पूछती है, कॉल करती है, और उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है अर्जुन। तो इस तरीके से हमारी जो बॉन्डिंग बनी और हमें टाइम ही नहीं लगा और ना हमें कभी ऐसा लगा कि वो हिंदू है हम मुस्लिम हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड भी बहुत जो है महाराष्ट्रीय हैं। आप देखोगे मेरे बहुत सारा फ्रेंड ग्रुप है, क्योंकि मैं कोकण साइड की हूँ, एक महाराष्ट्र कल्चर से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा जो है सब वहाँ का ही, हम सब नेचर में वहाँ के जो कल्चर में बड़े बड़े हैं, तो हमें सब वो चीज़ों की नॉलेज है, तो हम वो चीज़ों से रिलेटेड है क्या अच्छे, तो हमें टाइम नहीं लगा वो चीज़ों से जुड़ने के लिए, इसलिए हम फटाक से जो है जुड़ गए सीमा के साथ और हमें अच्छा भी लगा। तो इस तरीके से हमारी जो स्टोरी थी हिंदू मुस्लिम, जो कि मेरी ननद सीमा है और मैं, वो मेरी ननद है और मैं उसकी भाभी हूँ, आई थिंक आपको ये जो हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।